नमस्कार मित्रों, आज की इस क्लास में हम जो है कुछ प्रमुख पर्यावरण दिवस पर्यावरण से जो रिलेटेड हैं उनको जानेंगे, राष्ट्रीय पार्क जानेंगे, भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जो कि कई बार एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, और जो है हम रेड डाटा बुक के बारे में भी जानेंगे। रेड डाटा बुक क्या है, विलुप्त प्रजातियाँ कौन सी हैं या संकटग्रस्त प्रजातियाँ कौन सी हैं, तो इनके बारे में हम सभी को बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं प्रमुख पर्यावरण दिवस। प्रमुख पर्यावरण दिवस कौन कौन से हैं और कब कब मनाए जाते हैं। विश्व गौरैया दिवस आपका 20 मार्च को मनाया जाता है। विश्व वानिकी दिवस 21 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 22 मार्च विश्व जल दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है 22 मार्च और 22 अप्रैल। पहला 22 मार्च है विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल जो है आपका विश्व पृथ्वी दिवस है। नेक्स्ट है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई। विश्व स्वास्थ्य दिवस वर्ल्ड हेल्थ डे 7 अप्रैल को मनाया जाता है, 7 अप्रैल को। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट है विश्व ओजोन परत दिवस, तो ये आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व खाद्य दिवस। विश्व खाद्य दिवस जो है हमारा 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है, तो आप सभी को मालूम होगा विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी दिवस, यह हमारा 12 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस, ये हमारा 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है विश्व नम भूमि दिवस वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये मनाया जाता है 2 फरवरी को। और विश्व ब्रेल दिवस, ये हमारा 4 जनवरी को मनाया जाता है विश्व ब्रेल दिवस। ये लास्ट ईयर एग्जाम में भी पूछा गया है विश्व ब्रेल दिवस शिक्षक भर्ती परीक्षा में। ये अब हम बात करते हैं भारत के प्रमुख वन्य जीव अभयारण्य कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं, तो इनके बारे में भी हम बारी बारी से जानेंगे। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है। चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य ये उत्तर प्रदेश में स्थित है चंदौली में। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान ये उत्तराखंड में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान ये आपका गुजरात में स्थित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान ये आपका उत्तराखंड में स्थित है। बांदीपुरा राष्ट्रीय उद्यान बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट ईयर एग्जाम में पूछा गया है, ये आपका कर्नाटक में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में स्थित है, यहाँ पर एक सिंह वाले गैंडों के लिए काफ़ी फेमस है काजीरंगा। नेक्स्ट है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट है आपका कान्हा किसली अभयारण्य ये आपका मध्य प्रदेश में है, कान्हा किसली अभयारण्य। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान ये आपका राजस्थान में है, सरिस्का और केवलादेव, केवलादेव भी है नीचे। केवलादेव जो है राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क जो है ये आपका राजस्थान में स्थित है, यहाँ पर साइबेरियन क्रोन नामक पक्षी जो है प्रवास पक्षी का जो है स्थल है, यहाँ पर वो आता है, तो साइबेरियन पक्षी यहाँ पर आते हैं केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में, ये आपका राजस्थान में है। नेक्स्ट है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, ये हमारा मणिपुर में स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय पार्क नेशनल पार्क ये मणिपुर में है और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, मतलब फ्लोटिंग नेशनल पार्क, तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ मणिपुर में। नेक्स्ट है गल्फा मन्नार राष्ट्रीय पार्क, ये हमारा तमिलनाडु में है। गल्फा मन्नार काफ़ी इंपॉर्टेंट है, गल्फा मन्नार नेशनल पार्क। नेक्स्ट है सिमलीपाल नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क जो है उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट है मानस नेशनल पार्क, मतलब मानस राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारा असम में स्थित है। तो ये कुछ राष्ट्रीय पार्क हुए। अब हम जानेंगे जो है रेड डाटा बुक के बारे में। पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां जो हैं वो पूरी तरह समाप्त हो चुकी हैं, जिन्हें विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है।
और ये प्रजातियाँ अब दिखाई नहीं देती हैं, जबकि कुछ प्रजातियाँ ख़त्म होने की कगार पर हैं, जिन्हें जो है संकटाग्रस्त प्रजाति कहते हैं। विलुप्त प्रजातियों के अंतर्गत जो है जो विलुप्त हो चुकी हैं, डायनासोर, लाल पांडा यानी रेड पांडा उसको कहते हैं, मेमथ, डोडो पक्षी और लाल तोता। तो ये पक्षी जो है विलुप्त प्रजाति हो चुके हैं, मतलब विलुप्त हो चुके हैं, ये अब दिखाई नहीं देते हैं, तो इनको विलुप्त प्राय विलुप्त प्रजातियां कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारी संकटग्रस्त प्रजातियां। संकटग्रस्त यानी जो संकट में है, यानी जिनकी प्रजातियां ख़त्म होने की कगार पर हैं। गौरैया की है, अफ्रीकन हाथी और बाघ। नेक्स्ट है गिद्ध। गिद्ध की भी प्रजाति जो है ख़त्म होने की कगार पर है, मतलब संकटाग्रस्त प्रजाति है। शाही और शेर, काला हिरण, बारहसिंघा, कछुआ, ये सभी प्रजातियां जो है संकटग्रस्त प्रजातियों के श्रेणी में आ चुकी हैं। हम बात करते हैं रेड डाटा बुक के बारे में। रेड डाटा बुक क्या है, कौन जारी करता है, कैसे? तो रेड डाटा बुक जो है हमारा IUCN जारी करता है। IUCN जारी करता है रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक वह किताब होती है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। जो जीव लुप्त हो चुके हैं, वो जिस कारण से लुप्त हुए हैं, और जो जीव अभी लुप्त होने वाले हैं, उन सभी का उल्लेख जो है इस लाल किताब यानी रेड डाटा बुक में किया जाता है, जिसे रेड डाटा बुक कहते हैं। दुनिया की प्रथम रेड डाटा बुक जो है 1 जनवरी 1972 को प्रकाशित हुई थी, और अब तक कुल 5 रेड डाटा बुक जो है प्रकाशित हो चुकी हैं। और जो है इस किताब का जो है प्रकाशन यानी प्रकाशित करने वाला IUCN है। IUCN जो है इसको जो है हर जब उसको ज़रूरी लगता है तब वो जारी करता है। तो IUCN के द्वारा रेड डाटा बुक जारी की जाती है। IUCN का पूरा फुल नाम होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इसका जो है जो इसका हेडक्वार्टर है तो वो आपका ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, और इसकी स्थापना 1948 में हुई थी। 1948 में तो ये थे कुछ EVS से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स जो आपको बताना काफ़ी ज़रूरी था। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार।